हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे दुबई में 10 से 15 विजिट वीज़ा होल्डर्स को अरेस्ट किया गया है और उनको जेल पर रखा गया है। इसका कारण क्या है, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन ऐसे विजिट वीज़ा होल्डर्स जो हैं वो लगभग हर दिन उनको अरेस्ट किया जा रहा है इस समय पे और उनको जेल पे डाला जा रहा है। बाद में उनको यहाँ से डिपोर्टेशन मिल जाएगी। तो इसका कारण ये है कि आप सबको पता है विजिट वीज़ा में काम करना इलीगल है, लेकिन उस पर भी इलीगल काम अगर आप करते हैं तो उससे बड़ी सज़ा कोई नहीं हो सकती है। रमदान का मंथ चल रहा है अभी भी, और ये लोग जो हैं इलीगल काम, यानी कि सड़कों पे कुछ बेचना, पैसे मांगना, ये सारी चीज़ें इलीगल काम होती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पानी की बॉटल्स, पेंस, छोटे छोटे परफ्यूम्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्राइस में। यानी कि एक पेन ये लोग दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ईद का समय है, रमदान इफ्तार का समय है, हमें 10 दिरहम दे दीजिए। तो बहुत लोग दे भी रहे हैं क्योंकि ये महीना ही बहुत पावन महीना रहता है, इसलिए लोग देते हैं। लेकिन यूएई के लिए ये इलीगल काम है, इसलिए ऐसे विजिट वीज़ा होल्डर्स को पकड़ा गया है और इनको जेल पर रखा गया है। और आए दिन ऐसा हो रहा है कि विजिट वीज़ा होल्डर्स को पकड़ा जा रहा है। जो मैक्सिमम नेशनलिटी की बात अगर की जाए तो मिक्स नेशनलिटी के लोगों को ही पकड़ा जा रहा है, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे, सारे लोग, बड़े बुजुर्ग भी शामिल है इस काम के लिए। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।